तो हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से बुका से, अब हम जा रहे हैं गोल्डन आइलैंड। देखते हैं कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से बुका से, यहीं से डायरेक्ट निकलेंगे, फिर चलते हैं, यहाँ भी घूम लिए। चलिए फिर, ये हम यहाँ रुके हैं अंबिकापुर वाला पुल, ये नया पुल है बना हुआ है, और ये हम साइड में रुके हैं, थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचा लेते हैं क्योंकि अच्छा है व्यू। ये गोल्डन आइलैंड्स के लिए मुड़ रहे हैं हम लोग, राइट साइड मुड़ना पड़ता है, गोल्डन आइलैंड यहाँ लिखा है गोल्डन आइलैंड करके, तो चलिए चलते हैं अंदर। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है गोल्डन आइलैंड का, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। मोगरा से थोड़ा पहले पहले से ही राइट करना रहता है, मोगरा से पहले पहले ही राइट करना रहता है, मोरगा से पहले मोगरा हो जा रहा है, मुर्गा बच्चा हो जा रहा है, मुर्गा बच्चा, चूचा बच्चा। ये गांव पार करना पड़ता है लग रहा है, मुर्गा मुर्गा ऐसी ऐसी आ गया। बात मार दे यहाँ का भी रास्ता अच्छा ही है, आप आराम से आ सकते हो, फोर व्हीलर से भी आ सकते हो, टू व्हीलर से भी आ सकते हो। घुस रहे हैं, ये पहुंच गए गोल्डन आइलैंड, देख सकते हैं थोड़ा सा बैलेंस करके चलाना पड़ रहा है, पहुंचने वाले हैं गोल्डन आइलैंड। थोड़ा आराम से आएगा, थोड़ा सा भयानक रास्ता है, ये देख सकते हैं व्यू यहाँ के। गेस्ट हाउस भी है ऊपर, यहाँ गेस्ट हाउस भी है, शायद पता करेंगे यहाँ रुकने मिलता है या नहीं। गाड़ी बाप आराम से लेके आ सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर। ये पहुंच गए गोल्डन आइलैंड, व्यू देखिए गाइस क्या व्यू है, पानी वाला पानी, एक भाई है पार हो रहा है इधर से, देख रहे हैं गाड़ी तक, गाड़ी आगे जा सकती है लेकिन ले नहीं रहे हैं, और आगे है ये फार्म हाउस देख सकते हैं ऊपर में, ये फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है, मतलब अब यहाँ के स्टे करना चाहे रह सकते हैं, नज़ारा देखेगा इस। ये अपन आ गए गोल्डन आइलैंड के लास्ट पॉइंट पे,
ये हम अपनी गाड़ी को पूरे यहाँ तक ले आए हैं, लास्ट रिजॉर्ट से भी ऊपर। अब हम पानी क्रॉस करके ऊपर ले आए हैं और यहाँ का व्यू देखिएगा। यहाँ शायद पिकनिक भी होता है क्योंकि चूल्हे वाले बने हुए हैं यहाँ पर पहले से ही।